टुडेज टॉपिक इज स्लाइड ऑर्गेनाइजेशन इन पावर पॉइंट। स्लाइड ऑर्गेनाइजेशन इन पावर पॉइंट अबाउट द चैप्टर टू चेंज द स्लाइड लेआउट, स्लाइड का लेआउट चेंज कर सकते हैं। टू कॉपी ऑब्जेक्ट, टू मूव ऑब्जेक्ट, ऑर्गेनाइज स्लाइड्स, टू इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स टू स्लाइड्स, टू ऑर्गेनाइज स्लाइड्स, टू इंसर्ट क्लिप आर्ट, टू वर्क विथ वर्ड आर्ट, टू ऐड शेप्स, टू ऐड टेक्स्ट इन अ शेप्स, टू रिसाइज एन ऑब्जेक्ट, डिलीटिंग एन ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट बॉक्स, टू यूज शैडो इफेक्ट, रीअरेंजिंग द पोजिशन ऑफ द स्लाइड्स इन द स्लाइड सॉर्टर व्यू। इन सारे टॉपिक के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, एक एक करके जानेंगे। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीज अबाउट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में जाना था बेसिक। इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस सम मोर फीचर्स ऑफ दिस एप्लीकेशन। और इस चैप्टर में हम लोग पावर पॉइंट के स्पेशल फीचर्स के बारे में जानेंगे एक एक करके। एंड द टॉपिक इज टू ऐड अ न्यू स्लाइड। आप अपने प्रेजेंटेशन में नया स्लाइड कैसे ऐड करेंगे। वंस वी हैव कंप्लीटेड टाइटल स्लाइड We can insert new slides. To insert a new slide, जब भी आपने टाइटल स्लाइड में कंटेंट ऐड कर दिया तो आप क्या कर सकते हैं, नया स्लाइड ऐड कर सकते हैं। फर्दर इसके लिए स्टेप बताया गया। क्लिक द होम टैब। फर्स्टली आपको होम टैब पे क्लिक करना है। क्लिक द न्यू स्लाइड बटन इन द स्लाइड्स ग्रुप। फिर आपको न्यू स्लाइड बटन पे क्लिक करना है जो कि अवेलेबल है हमारा स्लाइड्स ग्रुप में। द ऑफिस थीम डायलॉग बॉक्स विल ओपन। क्या होगा, ऑफिस का थीम डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। एंड डिस्प्ले सेवरल लेआउट टेम्पलेट, और ये डिस्प्ले करेगा बहुत सारे अलग अलग लेआउट टेम्पलेट। नेक्स्ट क्लिक द लेआउट यू लाइक, जो लेआउट आपको पसंद हो उस पर क्लिक कीजिए। द लेआउट इज डिस्प्लेड इन द स्लाइड पेन ऑफ द पावर पॉइंट विंडो। तो क्या होगा, जो लेआउट आप क्लिक किए हैं ये लेआउट आपके पावर पॉइंट विंडो में अपीयर हो जाएगा। लुक लाइक दिस, दिस इज द न्यू लेआउट ऑफ पावर पॉइंट विंडो। इस तरीके से आसानी से आप नया लेआउट इंसर्ट कर सकते हैं, नया स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज टू चेंज द स्लाइड लेआउट। अगर आप चाहते हैं स्लाइड का लेआउट चेंज करना तो आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। There are a number of slide layout such as text, pictures, clip art, charts, tables, smart art and videos. जो हमारे स्लाइड का अलग अलग लेआउट है, जैसा कि टेक्स्ट है, पिक्चर है, क्लिप आर्ट पिक्चर है, चार्ट है, टेबल्स है, स्मार्ट आर्ट है, वीडियो, तो ये सारे लेआउट आप ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। We can change the slide layout as per our requirement. हम लोग अपने स्लाइड का लेआउट चेंज कर सकते हैं जैसा हमारा रिक्वायरमेंट हो, जरूरत हो। The layout can be modified either in normal view or slide sorter. अब लेआउट को मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, या तो नॉर्मल व्यू में या स्लाइड सॉर्टर व्यू में। Steps are given there. Click slide sorter view on the view tab in the presentation view group.
आपको क्या करना है, स्लाइड सॉर्टर व्यू पे क्लिक करना है व्यू टैब में, और ये अवेलेबल है हमारा प्रेजेंटेशन व्यूज ग्रुप में। नेक्स्ट, क्लिक द स्लाइड दैट यू विश टू अप्लाई अ लेआउट टू। उस स्लाइड का लेआउट को सेलेक्ट कीजिए जिसको आप अप्लाई करना चाहते हैं। देन क्लिक ऑन होम टैब। अब आपको क्लिक करना होम टैब पे, देन क्लिक द लेआउट बटन। फिर आपको होम टैब में लेआउट बटन पे क्लिक करना है एंड सेलेक्ट द लेआउट फ्रॉम लेआउट गैलरी। और लेआउट गैलरी में बहुत सारे लेआउट है, उसमें से आप किसी एक लेआउट को सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज टू मूव ऑब्जेक्ट्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप मूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गिवन स्टेप्स। फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स टू मूव ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इस स्टेप को फॉलो करके आप ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं आसानी से। स्टेप्स आर, सेलेक्ट द आइटम्स दैट यू वांट टू मूव। उस आइटम को सेलेक्ट कीजिए जिसको आप मूव करना चाहते हैं। देन क्लिक कट बटन ऑन द क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑफ द होम टैब। आपको कट बटन पे क्लिक करना है जो कि क्लिपबोर्ड ग्रुप में अवेलेबल है होम टैब में। देन सेलेक्ट द प्लेस वेयर यू वांट टू पेस्ट द डेटा। उस प्लेस को सेलेक्ट कीजिए जहां आप डेटा को पेस्ट करना चाहते हैं। देन क्लिक पेस्ट बटन ऑन द क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑफ द होम टैब। फिर आप पेस्ट बटन पे क्लिक कीजिए जो कि क्लिपबोर्ड में अवेलेबल है और होम टैब में है हमारा क्लिपबोर्ड। तो इस तरीके से आप किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, किसी आइटम को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज टू कॉपी ऑब्जेक्ट्स। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी करना चाहते हैं तो आप आसानी से कॉपी कर सकते हैं पावर पॉइंट में। डू द फॉलोइंग टू कॉपी एंड पेस्ट ऑब्जेक्ट। अगर आप कॉपी और पेस्ट ऑप्शन अप्लाई करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, तो सिंपली इस स्टेप को जो गिवन है, दिया गया है, उसको फॉलो कीजिए। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, सेलेक्ट द आइटम दैट यू वांट टू कॉपी। उस आइटम को, ये सिंगल भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है, उसको सेलेक्ट कीजिए। देन क्लिक कॉपी बटन ऑन द क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑफ द होम टैब। कॉपी बटन पे क्लिक कीजिए जो कि क्लिपबोर्ड ग्रुप में होम टैब में अवेलेबल है। सेलेक्ट द प्लेस वेयर यू वांट टू कॉपी द डेटा। उस प्लेस को सेलेक्ट कीजिए जहां आप डेटा को कॉपी करना चाहते हैं। क्लिक पेस्ट ऑन द क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑफ द होम टैब। पेस्ट बटन पे क्लिक कीजिए जो कि क्लिपबोर्ड ग्रुप में अवेलेबल है और हमारे होम टैब में अवेलेबल। इस तरीके से आप आसानी से किसी भी आइटम्स को, किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सकते हैं और फिर उसको दूसरे प्लेस पे पेस्ट कर सकते हैं आसानी से विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग दीज स्टेप्स। नेक्स्ट टॉपिक इज टू इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स टू स्लाइड्स। आप टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट कर सकते हैं अपने स्लाइड में। एट टाइम्स If we like to add more text, then the area provided for entering text, the text box tool in the text group on insert tab provide facility to add more text to our slide. The text box is a placeholder where we can enter and manipulate text. अगर आप चाहते हैं extra text enter करना जो कि टेक्स्ट एरिया प्रोवाइड किया गया है उसके अलावे, तो आप टेक्स्ट बॉक्स को यूज कर सकते हैं। सिंपली ये टेक्स्ट बॉक्स अवेलेबल है हमारा टेक्स्ट ग्रुप में
इंसर्ट टैग में। इसे आप अपने स्लाइड में एक्स्ट्रा टेक्स्ट, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स की मदद से। टेक्स्ट बॉक्स एक प्लेस होल्डर है जिसमें आप टेक्स्ट को एंटर कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, कोई भी चेंजेस करना हो तो आसानी से कर सकते हैं। फॉलो दीज स्टेप्स टू इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स। अगर आप टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना चाहते हैं तो इस गिवन स्टेप्स को फॉलो कीजिए। सेलेक्ट द इंसर्ट टैब। सबसे पहले क्या करना है आपको, इंसर्ट टैब क्लिक करना, देन सेलेक्ट टेक्स्ट बॉक्स एंड ड्रॉ आवर टेक्स्ट बॉक्स ऑन द स्लाइड बाय ड्रैगिंग द माउस। सिंपली टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक कीजिए एंड ड्रॉ कीजिए टेक्स्ट बॉक्स को अपने स्लाइड में ड्रैग करके माउस के द्वारा। देन टाइप द टेक्स्ट इन द टेक्स्ट बॉक्स। फिर क्या करना है आपको, टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट टाइप करना, जो भी मैसेज आप टाइप करना चाहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज टू अरेंज टू ऑर्गेनाइज स्लाइड्स। स्लाइड्स को आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं आसानी से। वी कैन रीअरेंज स्लाइड्स इन द स्लाइड पे। हम अपने स्लाइड को आसानी से रीअरेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लाइड पेन। अगर आप अपने स्लाइड को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, रीअरेंज करना चाहते हैं, तो स्लाइड पेन की मदद से कर सकते हैं। इसके लिए स्टेप बताया गया, सेलेक्ट द स्लाइड इन द स्लाइड पेन। आपको क्या करना है, अपने स्लाइड को सेलेक्ट करना है स्लाइड पेन में, देन ड्रैग इट टू द पोजीशन यू लाइक। जिस पोजीशन पे आप चाहते हैं उस पोजीशन पे उसको ड्रैग कर दीजिए। रिलीज द माउस बटन। ड्रैग करने के बाद आपको क्या करना है, उस प्लेस पे पहुंच जाने के बाद माउस को रिलीज कर देना, छोड़ देना लेफ्ट माउस बटन को। द स्लाइड पोजीशन विल चेंज। तो क्या होगा, आपके स्लाइड का पोजीशन चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज रीअरेंजिंग पोजीशन ऑफ द स्लाइड इन द स्लाइड सॉर्टर व्यू। आप रीअरेंज कर सकते हैं स्लाइड का पोजीशन स्लाइड सॉर्टर व्यू में भी। इसके लिए भी स्टेप बताया गया है। सिंपली क्या करना है आपको, ओपन द स्लाइड सॉर्टर व्यू। आपको ओपन करना है स्लाइड सॉर्टर व्यू, देन सेलेक्ट द स्लाइड, फिर उस स्लाइड को सेलेक्ट कीजिए, देन राइट क्लिक योर माउस इन ऑर्डर टू गेट द शॉर्टकट मेनू। फिर उस स्लाइड पे राइट क्लिक कीजिए, दायां क्लिक कीजिए, तो क्या होगा, बस शॉर्टकट मेनू आपके स्क्रीन पे अपीयर होगा। फिर आपको क्लिक करना है कट बटन, देन प्लेस द कर्सर वेयर यू विश टू प्लेस द स्लाइड। फिर उस प्लेस पे, उस जगह पे कर्सर ले जाइए जहां आप स्लाइड को रखना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं, देन क्लिक पेस्ट फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू। फिर आपको शॉर्टकट मेन्यू से क्या करना है, पेस्ट बटन पे क्लिक करना है, या पेस्ट के लिए शॉर्टकट की Ctrl+V प्रेस करना। द स्लाइड विल बी रिलोकेटेड। तो आपका स्लाइड क्या हो जाएगा, रिलोकेट हो जाएगा, रीअरेंज हो जाएगा, नए प्लेस पे चला जाएगा। तो इस तरीके से आप स्लाइड को रीअरेंज कर सकते हैं स्लाइड सॉर्टर व्यू में भी। थैंक यू।